दुख में सुख में अच्छे में बुरे में ये जो इंसान है ना ये ऐसा इंसान है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा एक इंसान होना चाहिए। फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगे, लव लाइफ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अबरेश और जीशान के बारे में। तो रात के तीन तीन चार चार बजे वीडियो बनाए हो। कितने दोस्त लोग को मैंने देखा कि आधे बीच में ऐसा छोड़ के चले जाते। हेलो गाइस, मैं हूं अबरेश, मैं हूं जीशान, मैं हूं आरती, मैं हूं अरसलान, मैं हूं विलाल, मैं हूं ज़ाहिद और हम हैं एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ हमेशा की तरह। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। यस गाइस, आज हम लोग को कंप्लीट हो गए 365 days 365 days। सो गाइस, आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है हम लोग को। Yes. आप लोग ने हम लोग की मतलब जर्नी वाली वीडियोस तो देख लिए होंगे। एक साल कंप्लीट हुआ था गाइस, क्योंकि हम लोग ने पहली वीडियो डाल के एक दिन का गैप दे दिया, तो आज हम लोग का जाके 365 days 365 ब्लॉग्स कंप्लीट हो गया है। So guys, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस हम लोग आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या यादें थी हम लोग की उस बीच में, क्या कैसा कैसा हम लोग ने डेज कंप्लीट किए हैं यूट्यूब का। ठीक है, तो यूट्यूब से पहले जो लाइफ का स्ट्रगल था वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाए कि हम लोग पहले क्या करते थे, फिर घर लिए, जो भी किया हम लोग ने वो आप लोगों को इसके बाद वाली वीडियो में स्ट्रगल लाइफ बताएंगे। ठीक है, ये यूट्यूब की बता रहे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। YouTube चालू क्यों किए। तो हम लोग YouTube इसलिए चालू किए थे गाइस, पहले हम लोग Instagram पे थे, TikTok पे, Snapchat पे थे। मतलब जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे ना, हम लोग सब पे वर्क कर चुके, सब पे काम कर चुके और सब पे हम लोग को बहुत ही अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग टिकटॉक पे हम लोग के मिलियंस थे, तो गाइस बंद हो गया टिकटॉक। फिर इंस्टाग्राम पे भी हम लोग मतलब अच्छे मतलब लाख फॉलोअर क्रॉस है हम लोग के, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी इंशाल्लाह लाख फॉलोअर्स करने के लिए कितना मतलब मेरी आईडी तो 2015 से है ये इंस्टाग्राम की, वह बहुत हम लोग ने मेहनत की इंस्टाग्राम पे भी, बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे भी। भाई वो दिन याद है जब तुम्हारी फ्रीज हो गई थी आईडी, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे फॉलोअर, नहीं बढ़ते थे। क्या पता नहीं क्या ग्लिच हो जाता, क्या होता था, लेकिन फिर हम लोगों ना समझ में आया मतलब YouTube का बहुत ज्यादा मतलब लोग YouTube यूज कर रहे थे और YouTube की बहुत बात चली थी। हम लोग सोचे कि देखते हैं ये प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए कुछ मतलब हम लोग के लिए अच्छा कर सकता है या हम लोग लोगों को इस पे एंटरटेन कर पाते हैं या नहीं पाते। तो हम लोग सोचे कि ये YouTube चालू करके देखते हैं क्या प्लेटफॉर्म है, क्या क्या होता है इसमें और रिस्पॉन्स कैसा रहता है लोगों का। तो हम लोग ने YouTube पे सोचे कि ब्लॉग्स बनाएंगे, हम लोग शॉर्ट वीडियोस का आया था उस टाइम पे, लेकिन हम लोग सोचे कि छोटे में तो हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे ही दिखाते, लेकिन इसमें हम लोग बड़ी वीडियोस में देखते हैं लोग प्यार कर पाते हैं कि नहीं, हम लोग को लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं हम लोग को। तो हम लोग ने YouTube चालू किया और YouTube का हम लोग का पहला ब्लॉग गया था 10th of September को। ब्रह्मास्त्र बोल नहीं पा रहा था उस टाइम पे उसने तो ज़ीशान ने बोला ब्रह्मास्त्र। तो हम लोग यही बोला था, तो फिर पहला ब्लॉग हम लोग का उस टाइम पे चालू होता। हम लोग पहले ऐसा सोचते ऐसा बोलते थे, हेलो गाइज मैं हूँ अबरेश, मैं हूँ फोकट और बस 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 इतना ही बोलते थे। फिर बाद में हम लोग का इवैल्यूएशन बोलते ना गाइज, हम लोग में चेंजेस आए तो हम लोग स्टार्ट हो गया। सो हेलो गाइस, मैं हूं अबरेश, मैं हूं जीशान और हम हैं फोकस। सो गाइस, आप लोगों को पता रहेगा बहुत ही मतलब ये अभी ना मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए गाइस ये बोलते बोलते कि ऐसा इतना कुछ हम लोग ने ना किए हैं। तो फिर फर्स्ट व्लॉग जब हम लोग ने बनाए तो ऐसा हुआ गाइस कि मतलब वीडियोस हम लोग जब बना रहे थे तो हम लोग बोले कि वीडियोस बनाते मूवी देखने जाते, तो हम लोग ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गए। तो ब्रह्मास्त्र मूवी का रिव्यू हम लोग ऐसा दिए थे कि हम लोग को भी नहीं पता कि हम लोग क्या करें, बस बोले जा रहे रुक रहे नहीं है गाइस कि लोगों को बस मजा आए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग रियल में है कैसे इंसान। गाइस ब्रह्मास्त्र 2 की बात हो चुकी है और गाइस अगर आप वो वीडियो देख रहे होंगे तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का जो पोस्टर बना था मैं और अबरेश भाई क्या हंस रहे थे। जीशान उस टाइम पे रात में सो रहा था, हम लोग बोले कि कुछ ना यूनिक करते हैं, मतलब नॉर्मल सब एडिटिंग करते रहेंगे पोस्टर की, हम लोग ने कुछ यूनिक किए।
कुछ नहीं आप लोग के पास, पोस्टर पे जाके आप देख ले, अब पोस्टर में देखोगे तो ये मैं चिपका हुआ आलिया भट्ट से, ये निशान चिपका हुआ है आलिया भट्ट से, निशान का बीच में से खड़े हैं रणबीर कपूर का है, रणबीर कपूर ये गाइस हम ही सब कुछ है जी। तो हम लोग का पहला ब्लॉग यहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ था, जो हम लोग ने मतलब उसके बाद फर्स्ट ब्लॉग के बाद हम लोग ने क्या किया, आप लोगों को कैसा इंटरटेन करे, कैसा आप लोगों का प्यार जीते, कैसा आप लोगों का अटेंशन जीते, ये सब करने के लिए हम लोग बहुत सोचते थे गाइस। हम लोग पूरी रात जागते थे, पूरी रात में मतलब हम लोग सिर्फ सोचते थे कि आप लोगों को कैसा मजा आए वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग में ना मीम्स डालते थे, बहुत मीम्स डाले गाइस हम लोग ने, इतने मीम्स डाले, ढूंढ इधर से ढूंढे इधर से ढूंढे, ले एडिट करने में 3 घंटा लग रहा है, ले 4 घंटा लग रहा है, रात भर सो रहे नहीं है गाइस। सबसे ज्यादा मेहनत ये चैनल को बढ़ाने में अभिलेश की थी गाइस, मेरी पूरी पूरी रात मतलब 365 डेज में से मैं गिनती के 1 से 2 व्लॉग एडिट किया रहूंगा, और सबसे ज्यादा मेहनत अभिलेश करता था, पूरी पूरी रात बैठ के एडिट करता था, और कितनी भी तबीयत खराब रहे कुछ ना रहे मत एडिट करना है, आप लोग को एंटरटेन करना है, बस आप लोग को खुश करने के गाइस। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग है तो साथ में ही है, वरना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा था कि हम लोग है और रहेंगे साथ में, और रात में भी हम लोग जब एडिट करते तो ऋषान हमेशा साथ में ही रहता था, कि देखता था कि हाँ एडिट कर रहा है, जब तक मैं सोऊं नहीं तब तक वो भी नहीं सोता था, कि हम लोग दोनों साथ में वीडियो एडिट करते। फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब करने लगे कि वो कभी एडिट कर दे रहा है, कभी पोस्टर बना दे रहे, हम लोग ऐसा करके हम लोग फिर वीडियो एडिट करने लगे, फिर पोस्टर बनाने लगे, चेंजेस यानी हम लोग चाहते थे कि बस आप लोगों को मजा आए वीडियो देखने में, आप लोग खुश रहो। हाँ तो फिर इतना कुछ हुआ है इस चीज में कि कितने टाइम तो ऐसा हम लोग को ना समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग वीडियो क्या बना। तो हम लोग ना रात के 3-3, 4-4 बजे वीडियो बनाए, वीडियो बनाए हैं गाइस, वीडियो बनाए हैं सुबह सुबह, सोचो हम लोग के पास वीडियो नहीं है। एक दिन हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग आज अगर शूट कर रहे हैं ना तो ये वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे, अगर हम लोग ने आज वीडियो नहीं बनाया ना तो हम लोग कल के दिन बना के कल ही अपलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हम लोगों को गैप नहीं देना, हम लोग का टारगेट था 365 डेज 365 ब्लॉग्स कंप्लीट करे, किसी भी हालत में आप लोगों को बिगर इंटरटेन करे, हम लोगों को रहा नहीं जा रहा था, हम लोगों इतनी आप लोगों ने प्यार दे दिया था कि इतनी खुशी मिलती थी हम लोग को, से इतना प्यार नहीं मिला जितना हम लोग को यूट्यूब से मिला। और गाइज आप लोगों को पता है हम लोग का जो रिश्ता है वो इडली से क्यों इतना ज्यादा है, इडली से क्योंकि हम लोग रात पर एडिटिंग करते तो सुबह जाके इडली खाते थे, घर पर आते थे फिर सो जाते थे। सिर्फ हाँ चलो तुम बोल लो पहले गाइस, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अभिलेश मतलब बहुत है मेहनती, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन जैसे कि ईशान ने भी ऐसे बोला कि मतलब वो उससे ज्यादा अप्रेश करता है, बट ऐसा नहीं है, दोनों भी इक्वली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि ईशान का दिमाग है ना गाइस कंप्यूटर है, अगर उसको मतलब कंटेंट लाना है ना तो वो इतना खोजता रहा, पहले भी जब हम लोग वीडियोस बनाते थे तभी ईशान ना पेपर में लिख के लाता था कि मेरे को ये वीडियो बनाने का, ऐसा करना है वैसा करना है, तो ईशान का दिमाग बहुत इस्तेमाल करता है वो वीडियोस में, और अभिलेश की तो मेहनत है ही, तो इन लोग दोनों की मेहनत, और हम लोग ने तो फिर भी ऐसा सोचे कि नहीं यार तबीयत खराब है तो एक दिन गैप कर लेते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन इन लोग ने सीरियसली सिर्फ एक दिन का गैप किया पूरे साल में, तो वो बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि यूट्यूब जरा भी इजी नहीं है, अगर आपको लगता है तो जरा भी इजी नहीं है, बहुत मेहनत है उसमें, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि उन लोग ने इतना मेहनत किया और आज इतना अच्छा अचीवमेंट इन लोग को मिला है, और इन लोग के लिए सिर्फ हम लोग ही नहीं, इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा प्राउड है कि इन लोग ने इतना सब कुछ किया है, मैं हमेशा चाहूंगी कि लोग बहुत सक्सेसफुल हो। सो गाइस मतलब हम लोग ना इतना यानी ब्लेस्ड है ना ये चीज से कि हम लोग को पहली बात कि हम लोग को घर का इतना सपोर्ट है ना गाइस कि हम लोग को कुछ भी करे, हम लोग घर वाले लोग ने इतना सपोर्ट किया ना हम लोग को, हर चीज में सपोर्ट किया हम लोग को कि तुझे जो करना है कर, तेरा जो दिल करे वो कर, जो जिसमें तेको खुशी मिले, जिसमें लोगों को खुशी मिले तू वो कर, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि तू खुश है ना तो हम लोग खुश है, घर वाले का इतना सपोर्ट है हम लोगों को गाइस। उसके बाद हम लोग मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल अपने घर वालों को, अभी हम लोग घर वाले सब गए हैं थोड़ा कुछ काम से, क्योंकि किसी एक फोकट मेंबर की शादी है गाइस, इसी वजह से तो ईशान के घर वाले भी गए, मेरे घर वाले भी गए, लेकिन आप लोग उनसे भी मिलवाएंगे जब वो आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मतलब उन लोग ने इतना सपोर्ट किया, उसके बाद हमारे फैमिली वाले के बाद मेरे हम लोग फैमिली में तो सब मेरे छोटे भाई बहन आ गए, सब लोग आ गए, मतलब जितने भी मेरी बहन भाई है इन लोग दोनों ने भी बहुत मतलब इन लोग तो अभी व्लॉग चालू किया आलतू फालतू लोग ने,
लेकिन इससे पहले इन लोग हम लोग की वीडियो में पूरी जी जान लगा देते थे गाइस, हम लोग से पहले अभी भी लगाते हैं। इससे पहले की बात करो कि उन लोग उस टाइम पे भी जब कुछ नहीं करते थे, इन लोग का लेना देना भी नहीं था इस चीज से, तो भी इन लोग पूरी जी जान लगा के हम लोग के साथ पूरी मतलब अपना 100% देते थे। उसके बाद फिर हम लोग अपने दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग मतलब क्या ही बोलू मैं, तो मतलब इन लोग इतना सपोर्ट करते ना गाइस हम लोग को हर चीज में, हर चीज में हम लोग के साथ रहते। ऐसा मतलब इन लोग इतनी दूर से आते ना यहाँ पे कि मतलब ऐसा नहीं गाइस कि हर हर दोस्त गाइस, हर कोई दोस्त ऐसा नहीं होता है, हर दोस्त मतलब ऐसा नहीं रहता कि आपके हर दुख सुख में साथ रहे। कोई कोई दोस्त मतलब कितने दोस्त लोग को मैंने देखा हूं कि आधे बीच में ऐसा छोड़ के चले जाते, लेकिन ये दोस्त वैसे नहीं है गाइस, ये दोस्त नहीं है गाइस, ये फैमिली है। तो तो हम लोग ना बहुत खुशी, बहुत ज्यादा ना ब्लेस्ड फील होता है गाइस कि इन लोग ना हम लोग के साथ है और हम लोग की फैमिली साथ है। हम लोग, मैं सबका नाम लेके बोलता हूँ, ये मेरे हम लोग के भाई लोग शोएब, अमन, ये लोग सब लोग, आरती, अरसलान, सुफियान, निदा, मिसबा, महमूद भाई, और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ ना गाइस तो उसके लिए सॉरी अगर मैं नाम नहीं ले पाया किसी का भी। तो बाकी जितने लोग है ना, आप लोगों को पता ही रहेगा, आप लोग जितने लोगों को व्लॉग में देखते हो ना, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इतना सपोर्ट हम लोगों को करने के लिए, इतना प्यार हम लोगों को करने के लिए। सॉरी तो भाई थोड़ा मेरे को एक्सप्रेस करने नहीं आता गाइस, मैं अगर मैं समझा नहीं पाता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ उस टाइम पे, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो मैं थोड़े देर ना शांत हो जाता हूँ। बच्चा तो क्या बच्ची होश में हो? बच्ची वी डिड इट ब्रो। सो गाइस एक साल मतलब 365 डेज हम लोग आगे भी आप लोगों को ऐसी बहुत बहुत ज्यादा हंसाएंगे, आप लोगों को प्यार करेंगे, और आप लोग मतलब आप लोगों ने इतने सारे प्यार दिए हम लोगों, तभी हम लोग को ऐसा मन करते कि हम लोग कुछ और करें आप लोगों के लिए, आप लोगों को और ऐसा लगे कि हाँ ये चीज मुझे देखना, और आप लोग दूसरों को भी बोले ये देखो तुम लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसा इंसान बनना है मुझे, ऐसा मतलब बेटा बनना है, ऐसा लड़का चाहिए मुझे, आप लोगों को ये फील आना चाहिए गाइस। मतलब ये मेरे जो दोस्त लोग है, मतलब हम लोग सब ऐसे है कि लोग ऐसा देख के बोले हाँ मुझे ऐसा बनना है, हाँ मुझे इसके जैसा चाहिए, हाँ मुझे मतलब ये होना चाहिए गाइस। हम लोग ब्लॉग में यही चाहते कि हम लोग जो रियल है वो आप लोगों को दिखाए, तो हम लोग बस आपको ये बताना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी फैमिली को प्यार करो। सो गाइस मैं एक चीज बोलूंगा कि ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसा रिश्तेदार, ऐसे मतलब भाई कजन, सबको मिले, सबको मिले, ठीक है। और तुम लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोलो, मेरे को और कुछ नहीं समझ रहे गाइस। सिर्फ इन लोग इतना बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली में हम लोग सब बहुत ग्रेटफुल है कि ये दो बंदर हम लोग की लाइफ में है, क्योंकि इन लोग के बिना लाइफ बहुत ही अधूरी है। आप देखते हो हम लोग जब नॉर्मली भी, ये तो हम लोग सिर्फ कैमरा में जो व्लॉगिंग बनाते हैं वो सब तो अलग ही मस्ती है, लेकिन हम लोग ऑफ कैमरा अगर आप हम लोग को देख लोगे ना, हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, तो आप खुद और हम लोग की फ्रेंडशिप को प्रेस करोगे। आप लोग सब लोग इतना प्रेस करते हो हम लोग की फ्रेंडशिप को, इतने एडिट्स प्यारे प्यारे बनाते हो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ब्लेस्ड फील होता है यार, क्योंकि कभी सोचा नहीं था हम लोग ने लाइफ में, कभी नहीं कि ऐसा कुछ हम लोग देखेंगे, इतने लोग प्यार करेंगे। आज कहीं भी जाते तो बहुत लोग तो सब लोग हम लोग ऐसे चिल्ला के बुलाते हैं फोकट है फोकट, तो वो ऐसा नहीं लगता कि कुछ, अरे फोकट बोल रहे, वो एक ऐसा लगता है कि प्राउड, हाँ एकदम प्राउड मोमेंट लगता है कि अरे नहीं यार, मतलब एक हम लोग की पहचान है, अभी हम लोग को लोग ये करते हैं के मायने चेंज करने वाले का। हाँ एक्चुअली। और गाइस मैं एक और एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि ये लोग को देख के लिटरली एक मतलब फोकस रहता है ना इंसान कैसा है एक काम पे, एक अपने काम के लिए, जैसे कि जाहिर सी बात है कि दोनों की फैमिलीज है, फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगे, लव लाइफ प्रॉब्लम्स रहेंगे, अगर इन केस एक बात बता रहा हूँ और भी बहुत सारे इश्यूज रहेंगे घर के अंदर, एक इंसान को मतलब इन लोग दोनों की बात करो कि एक इंसान को कैसा घर चलाना है, अपना फ्यूचर कैसे बनाना आगे, वो सब सोचना पड़ता है, वो सब सोचने के बावजूद भी वो एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए। सो गाइस वो
आप लोग देखे हो, हम लोग रियल देखते हैं लाइफ में कि क्या होता है, वो चीज दिखाने के लिए मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा। और गाइस एक सबसे बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है अब्रेश और जीशान के बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, कि हम लोग सबके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता ना तो हम लोग आके मतलब सामने इन लोग रोते हैं, मैं स्पेशली, कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन इन लोग के लाइफ में एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट इन लोग ने कभी नहीं हम लोग के सामने बताया। हमेशा जब भी हम लोग आते हैं, हम लोग सैड रहते तो इन लोग हम लोग के फेस पे हंसी लाते हैं, बट इन लोग के लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स हो, इन लोग ने कभी भी हम लोग को बताया नहीं कि यार ये प्रॉब्लम है, मेरे से ये नहीं होगा। हम लोग बोलते थे वीडियो बनाना, हाँ चलो वीडियो बना दो, मतलब कभी इन लोग ने इन लोग की प्रॉब्लम्स को बीच में नहीं लाया। बहुत ही अच्छे से हम लोग को हैंडल किया, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि इन लोग हम लोग के लाइफ में। थैंक यू सो मच अब्रेशन। और ऐसा नहीं है कि भाई लोग ने हम लोग की कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की है, हर एक चीज पूरी की है। एक आवाज पे, एक एक आवाज पे सब चीज आई है, और जो वो भी ला के दिए लोग ने अपने लिए। मैं एक बात बोलूंगा, ये जो इंसान है ना, ये ऐसा इंसान है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा एक इंसान होना चाहिए। मतलब दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, हर चीज में ये बंदा मेरे साथ था। ये क्या मेरे पूरी फैमिली वाले थे, लेकिन मैं अभी इसका सो थैंक यू निशान इतना साथ रहने के लिए। हग हग करो, अभी प्रेशर नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा तुम लोग जोगा जी, ये पूरा ना एक अलग ट्रैक पे चले गया। तो ऐसी ऐसा ही ना, ये ना आगे भी होगा लाइफ जर्नी में भी। गाइस ऐसी हम लोग ना सोचते ना हम लोग अपने पुराने दिन, तो हम लोग को रहा नहीं जाता, हम लोग ना हंसते भी रहेंगे अगर हम लोग ना कुछ सोचते ना ऐसा, तो हम लोग को रोना आ जाता है। एंड गाइस फोकट के तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि एक साल तक इन लोग ने आपको हंसाया है, आज इन लोग रुला रहे हैं, तो सॉरी मेरी तरफ से अभी। सो गाइस हम लोग और कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा, आप लोग बोर ना हो जाओ। तो हम लोग बस ब्लॉग आगे आप लोगों को फोकट्स की स्टोरी, फोकट्स नाम कैसे हुआ था, फोकट्स पहले क्या था, ये चीज की स्टोरी एक अलग है, फोकट्स नाम क्या था उसकी एक स्टोरी अलग है, और एक हम लोग जो स्ट्रगल किए हैं लाइफ में उसकी एक स्टोरी अलग है। तो वो दोनों स्टोरी आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को बताएंगे। तो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आप लोग कुछ बोलने गए। लव यू मेरा बच्चा। तो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं अमर कर, इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकट। गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।